नमस्कार, मैं अनुष्का। रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज के टॉप 5 जॉब वैकेंसीज के बारे में हम बात करेंगे। बिहार पोस्टल सर्कल, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, DRDO, TBRL, एम्स पटना और CDAC के द्वारा निकाली गई बहालियों के बारे में। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इन टॉप 5 जॉब वैकेंसीज में हम उन सभी जॉब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके लिए देश के किसी भी राज्य के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज के टॉप 5 जॉब वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार पोस्टल सर्किल के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और MTS। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो कुल मिलाकर 60 पदों पर बहाली निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें 10वीं 12वीं का पास होना जरूरी है और साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना भी जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो उम्र सीमा 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अप्लाई करने के लिए यहाँ ₹100 आवेदन फी सभी कैटेगरी को लग रहा है। वहीं हम अगर अंतिम तिथि की बात करें तो यह 31 दिसंबर 2021 है। आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई बहालियों के बारे में, जिसमें पद का नाम है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, स्टेट पुलिस सर्विस, स्टेट फाइनेंस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, लेबर ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्ट, डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फाइटर, म्युनिसिपल आर्मी असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल एंड SC डेवलपमेंट, सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, CG सबॉर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स, नायब तहसीलदार, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रिजन सुपरिंटेंडेंट। वहीं अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, यानी कि कुल पदों की संख्या के बारे में, तो यह कुल 171 है। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री का पास होना किसी भी स्ट्रीम में जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें उम्र सीमा के बारे में तो यह मिनिमम 21 साल उम्र सीमा तय की गई है, तो वहीं अधिकतम उम्र सीमा 40 साल है। वहीं रूल के हिसाब से कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में, तो यह जनरल और दूसरे राज्यों के लिए ₹400 प्रति उम्मीदवार है। वहीं SC ST और OBC के लिए यह ₹300 प्रति उम्मीदवार निर्धारित किए गए हैं। वहीं अगर हम अंतिम तिथि की बात करें तो यह 30 दिसंबर 2021 है। आधिकारिक वेबसाइट http://psc.cg.gov.in है। अब हम बात करेंगे टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, यानी कि DRDO के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में, जिसमें पद का नाम है फिटर, मैकेनिस्ट, टर्नर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वेल्डर, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डिजिटल फोटोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर हिंदी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो कुल मिलाकर 61 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास के साथ ही ITI पास होना रेलेवेंट डिसिप्लिन में जरूरी है। उम्र सीमा यहां पर नहीं बताई गई है, साथ ही साथ आवेदन फी भी नहीं बताई गई है। वहीं अगर हम बात करें फॉर्म भरने की अंतिम तारीख के बारे में तो यह 20 दिसंबर 2021 है। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो यह www.drdo.gov.in है, जिस पर आप जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ आवेदन भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एम्स पटना के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में, जिसमें पद का नाम है एडवाइजर ऑफिसर, इंजीनियर मेडिकल, सुपरिंटेंडेंट, सुपरवाइजर, लाइब्रेरियन एंड डाइटिशियन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो कुल मिलाकर 22 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यह 5 साल रेगुलर सर्विस जो ग्रेड है उसमें होना चाहिए, 5 साल का अनुभव। उसके साथ ही अगर हम बात करें अंतिम तारीख के बारे में तो यह 20 दिसंबर 2021 है। आधिकारिक वेबसाइट की बात की जाए तो यह aimspatna.org है, जिस पर आप जाकर पूरी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ आवेदन भी भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, यानी कि CDAC के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में, जिसमें पद का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो कुल मिलाकर यहां पर 111 पदों पर बहाली निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो BE, BTEC और MCA का होना जरूरी है। आवेदन शुल्क की बात करें तो यह जनरल और अन्य कैटेगरीज के लिए ₹200 निर्धारित की गई है। तो वहीं SC ST, PW
ईडी और ईडब्ल्यूएस को किसी भी तरह की फी नहीं लग रही है। साथ ही साथ महिला अभ्यर्थी को भी किसी तरह की फी नहीं लग रही है। अंतिम तारीख की बात करें तो यह 9 दिसंबर 2021 है। आधिकारिक वेबसाइट की बात की जाए तो यह cdac.in है, जिस पर आप जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ फॉर्म के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आज के टॉप 5 वैकेंसीज के बारे में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। नमस्कार।